नमस्कार, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजय फिजिक्स। ITJEE और नीट के प्रिय विद्यार्थी, सेंटर ऑफ मास एक सुपीरियर टॉपिक था, उस पर पूरी तरह से हम लोग कंट्रोलिंग पा चुके हैं। अब कुछ अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन आज और सॉल्व करने हैं, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ जे, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, कुछ रोलिंग के, यानी आज मिसलेनियस प्रॉब्लम देखना है, मिश्रित हर लेवल के क्वेश्चन आज टच करना है, एक दो अच्छे चुनिंदा प्रॉब्लम हर टॉपिक से। लीजिए, पहले कुछ टूल्स सीखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही है, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज बी कांस्टेंट, J1 इक्वल टू J2 होता है। लेकिन कब के लिए है, जब बॉडी पर, रोटेटिंग बॉडी पर कोई टॉर्क न एक्टिवेटेड है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किस लॉ पर बेस्ड है, न्यूटन के किस लॉ पर, तो न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है, फर्स्ट थर्ड पर नहीं, सेकंड लॉ पर बेस्ड है। फोर्स होता है डीपी बाई डीटी, और रोटेशन में यही लेना है तो टॉर्क हो जाएगा DJ/dt। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब फोर्स नहीं होगा, तो DP/dt जीरो, यानी P का डिफरेंशिएशन जीरो, यहां से क्या नतीजा मिलेगा, P कांस्टेंट, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा, P1 = P2। ये दो ब्लॉक, दो बॉडी हैं, कोलिजन के केस में सीख रहे हैं, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ऐसे आप करते चले जाएं। यहाँ पर टार्क जीरो होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कंक्लूजन J कांस्टेंट, और ये आपके लिए हो जाएगा J1 = J2, या J होता है I ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा। ये दोनों ही न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स के लिए DP/dt, न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी है, ये टार्क बताता है DG/dt, ये है। अब क्वेश्चन देखना है आपको, जैसे कितने टाइप के आ सकते हैं, जैसे कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और ट्रांसलेट करते करते अचानक से रोटेट कर गया, जैसे आप चल रहे हैं, कोई पत्थर रखा गया है उसमें पैर आपका टकराया और आप ऐसे रोटेट कर गए, गिर पड़े, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसलेट करते करते रोटेट कर गया, ट्रांसलेशन से रोटेशन, ट्रांसलेशन से रोटेशन में अगर हो रहा है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ट्रांसलेशन के लिए लिखते हैं MVR और रोटेशन के लिखते हैं I ओमेगा। सेकंड, रोटेशन से ट्रांसलेशन, रोटेशन से ट्रांसलेशन अगर बॉडी करने लगे तो तब लिख देंगे, तो रोटेशन के लिए J होता है I ओमेगा और ट्रांसलेशन के लिए MVR, या और करेक्ट लिखना चाहें तो MVR, और R कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी होती है, ऐसे से आप रोटेशन परपेंडिकुलर है। कभी कभार रोटेशन से रोटेशन नहीं होता है। तीसरा, तीन तरह से कंजर्व होते हैं, रोटेशन हो रहा है, फिर कुछ पार्ट को अटैच कर दिया, कुछ पार्ट को कट कर दिया, लेकिन रोटेशन उसका मेंटेन है, तब क्या होगा, रोटेशन टू रोटेशन, रोटेशन से रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए आई ओमेगा होता है, तब I1 ओमेगा 1 लिखिए इक्वल टू I2 ओमेगा, जैसा क्वेश्चन
फिलहाल इस टॉपिक पर क्वेश्चन हो गए हैं, एक आध फिर दिखा देंगे। तीन तरह का एक रिजर्वेशन है और तीनों से ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं उठता है, एकदम पूरे टॉपिक पर एकदम निचोड़ पूरा फुल कमांड हो जाए, बस इतनी वैरायटी क्वेश्चन उठ सकते हैं। लीजिए एक प्रॉब्लम करते हैं, ये रॉड मास या लेंथ है और ये फ्री फॉलिंग कर रही है अंडर ग्रेविटी, ये कुछ और गिरते हुए आ रही है, ये एच हाइट पर कोई एक रोक इस तरह से दीवार में इस तरह की कोई एक ट्रायंगुलर वेज रखी है और ये जो पॉइंट ऑफ फॉल है, जो लाइन ऑफ फॉल है, इस लाइन से थोड़ा सा ओवर है अंदर है, यानी ये राड आएगी तो इस पॉइंट में टक्कर जरूर होगी, कोलिजन जरूर होगा, टकरा जाएगा यहाँ, ये ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। कितने डेप्थ पर है ये? एच। आप बताइए जैसे ही राड टकराएगी तुरंत ये वाला इंड जो फ्री इंड है अचानक से नीचे कर, अचानक से इस तरफ भाग चलाएगा, सर्कुलेट कर जाएगा, यानी राड तुरंत रोटेट कर जाएगी और रोटेट कर जाएगी तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी बता रहा है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट कोलाइड विथ ऑब्स्टेकल पी। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट, जब पी से टकराएगी तो क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी। सोल्यूशन देखिए, पहले यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी वेलोसिटी एक बार कर लेगा वो निकाल लीजिए आप, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, जो मन करे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी वेलोसिटी आ जाती है, यहां पर एम जी एच पोटेंशियल है और यहां हाफ एम जी स्क्वायर कर दीजिए आप, या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो वेलोसिटी ऑफ रॉड एट पोजीशन ऑफ पी, जैसे पी के करीब पहुंचती है उसमें वेलोसिटी क्या होगी रॉड की? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये लगाते हैं लेकिन यू है ही नहीं, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए रोल जी और एस रोल एच, ये आ गया वी की वैल्यू अंडर रूट टू जी एच हो गया, ये हो गया। अच्छा कंजर्वेशन आप इनर्जी से लगाते हैं, अगर इनर्जी कंजर्व कराते, इनर्जी कंजर्व कराते तो क्या इस समय पोटेंशियल लगी है एम जी एच, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस समय पोटेंशियल लगी है एम जी एच और इस समय नीचे की तरफ जब यहाँ टच में आ जाएगा तो पोटेंशियल गायब, क्योर काइनेटिक हाफ एम वी का स्क्वायर, एम से कैंसिलेशन हुआ तो इधर टू जी एच, टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर, फिर वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। देख रहे हैं, घबराइए मत, भ्रमित मत होइए, इक्वेशन आप मोशन से भी काम कर सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ये कंजर्वेशन आप इनर्जी से भी, चाहे जैसे मन करे आप, दोनों से देखिए रिजल्ट वही आ रहा। अब आप इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराइए, पी पॉइंट के अबाउट बाय कंजर्वेशन, ये एंगुलर मोमेंटम को जे लिख दे रहे हैं आप, जे अबाउट पी,
पॉइंट की नोट। पी पॉइंट के बाद क्या होगा, कंजर्वेशन देखिए, कंजर्वेशन कराएंगे तो ये पहले ट्रांसलेट कर रहा है, फिर टक्कर हुआ तब रोटेट कर रहा है। इसका मतलब फार्मूला आप लिख के बैठे रहिए, क्या लगाएंगे, J1 इक्वल टू J2, कंजर्वेशन ये है J कांस्टेंट, लेकिन J पहले ट्रांसलेशन वाला है, M V R परपेंडिकुलर, फिर रोटेशन वाला है I इंटू मेगा। अब मास देखिए भाई, खा पी करके सयाना हो गया, कैपिटल M है। वेलासिटी यहाँ रखे हुए हैं अंडर रूट 2gh, और R परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, वेलासिटी नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से, यही केवल हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस यानी L by 2 इक्वल टू I, राड का इस पॉइंट के बाद जहाँ टक्कर हो रहा है, इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML² / 3 होता है, ये राड के लिए बताया गया है, डिस्कशन किया गया है, ये नहीं जानते तभी तुरंत जान गए आप। काम के बाउट क्या होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ मास पास करे, ML² / 12 होता है। अब इंड के बाउट ML² / 3 होता है, फिर से बोल दिया इन टकरा रहा है, इंड के बाउट आई का रोल ML² / 3 ML² / 3 और इंटू ओमेगा, बस ओमेगा की जरूरत, ओमेगा मिल जाएगा, एम एक एल एल और एक एम कैंसिल, क्या गया ओमेगा चाहिए तो 3 से इधर और एल से नीचे, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके लिए 3/2 एल नीचे हो जाएगा, अब अंडर रूट में 2gh, दिस विद एंगुलर वेलोसिटी, ये है h के टर्म में आया है, हाइट भी इंपॉर्टेंट है, कितनी हाइट से आप गिरा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन, ये राड है, वी वेलोसिटी चल रही है, राड का मास एम है, लेंथ एल, और यहां रास्ते में प्लेन ग्राउंड पर ये फिसलते हुए बिल्कुल स्लाइड करते हुए ट्रांसलेट करते चल रही है, ये यहां पर कोई इस तरह का रुकावट है रास्ते में, जिसे आप पैर जो है आपका ईंट से टक्कर कर जाता तो आप ऐसे गिर पड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक नाक रुकावट है, ये आंख बंद करके राड एकदम मौज सर ऊपर की जा रही है बिल्कुल शान से, लेकिन जैसे ही पैर में इसके टक्कर होती है तो राड तुरंत रोटेट कर जाएगी, तो रोटेट करते समय से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन राड कोलाइड विथ पॉइंट पी, पॉइंट ये भी सेम राइटिंग क्वेश्चन है, पहले चल रही है टहल रही है ट्रांसलेट करें, फिर अचानक टक्कर हुआ तो रोटेट करती है, ये भी ट्रांसलेशन से रोटेशन का क्वेश्चन है। J1 इक्वल टू J2 कर दीजिए, J1 मीन्स ट्रांसलेशन, M V R परपेंडिकुलर और रोटेशन किए I इंटू ओमेगा, तो मास कैपिटल M है, वेलासिटी सचमुच में V ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ मास की वेलासिटी, इस पॉइंट से जो वेलासिटी दिखाते हैं सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, क्यों लिए टक्कर हो रहा नीचे बाटर में, ये L/2 और ये आपके I, I कितना राड का एक इंच टकरा रहा था ML² / 3 और इंटू मै, तो एम एल का कैंसिलेशन हुआ, ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू आ गई 3/2 और इंटू वी बाई एल, 3V/2L ये हो गया। कितने अच्छे अच्छे सुंदर सवाल, हल्के हल्के इसके छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं।
देखिए ये स्फीयर, या सेल ही दे सेल, स्फीयर तो है लेकिन अंदर मटेरियल नहीं है, सेल है, खोखला कोश इसको बोलते हैं। इसका पैरामीटर लिख दे रहे हैं, मास एम है, मास एम है, रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और ये इस एक्सिस के बाहू मेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस सेल। ये फिगर दिखा दे रहे हैं थ्री डायमेंशनल से, फुलवाल वाला सिंबल बना दे। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी बाल्स हैं, उसमें फेविक्विक लगा कर रेडी किए, फेविक्विक लगा कर रेडी किए, बाल को एक्चुअल में रोक नहीं रहे, अचानक से इसे चिपका कर छोड़ दिए, यानी रोटेशन को आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रोवाइड किया, टार्क आपने एक्सटर्नल नहीं लगाया अचानक, या ये लोहे का आयरन का ये सेल है और दो मैग्नेटिक बाल्स अचानक इधर चिपका एक साथ इसे चिपका कर छोड़ दिए, तो बाल भी उसके साथ में चलने लगे। ये पहला सीन है। नया सीन ये है, वही बाल यहां पर चिपका, यहां पर एम, ये इस मान। अब इसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा डैश का, वही सेल ही क्वेश्चन समझ गया हूं, जैसे रिंग और डिस्क वाला क्वेश्चन किया गया था उसी तरह से। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेल व्हेन टू स्मॉल बाल्स आर अटैच्ड अक्रॉस द इन द डायमीटर। यहां पर रोटेशन था फिर बाद में रोटेशन ही। अच्छा देखिए भाई साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, हो सकता है आपको देखने में ऐसा लग रहा है साइज में सेम साइज बनाया है, वही सेल उतने ही साइज में बड़ा बनाएंगे उतने ही सेप का, बस केवल एम एम और अटैच कर देना। चलिए तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, जी वन इक्वल टू जी टू, रोटेशन था पहले आई वन ओमेगा और बाद में भी रोटेशन ही था आई टू ओमेगा, जैसा क्वेश्चन रहे वही वाला फार्मूला लगाइए, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा। तो यहाँ पर आई वन इनिशियली आई कितना है शुरुआती दौर में, तो इस सेल का होता है टू बाई थ्री एन इंटू आर का स्क्वायर, और ओमेगा वन प्योरली ओमेगा है, फाइनली इस सेल का बिल्कुल वही टू बाई थ्री एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, दो बार ये जुड़ जाएगा टू एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर और इंटू न्यू एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डैश, ये ओमेगा डैश है लास्ट में, ओमेगा डैश ओमेगा डैश हो गया। अब आप यहाँ पर आर स्क्वायर को बाहर लेकर आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर ही कैंसिल होगा, एम नहीं ये स्मॉल एम, ये आ जाएगा आपके लिए टू कैपिटल एम ओमेगा बाई थ्री, इधर टू कैपिटल एम प्लस सिक्स स्मॉल एम होल बाई थ्री और इंटू ओमेगा का डैश, थ्री का निपटारा हुआ, ओमेगा डैश चाहिए आप, ओमेगा डैश हो जाएगा टू कैपिटल एम ओमेगा और ये पूरा ब्रैकेट नीचे टू कैपिटल एम प्लस सिक्स स्मॉल एम, आप चाहें तो टू कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन हो जाएगा टू से कैंसिल, तो फाइनली ओमेगा डैश का फाइनल रिजल्ट आ गया
कैपिटल एम इन टू ओमेगा बाय कैपिटल एम प्लस थ्री स्मॉल एम, ये आपका फाइनल रिजल्ट। ये रोटेशन से रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम आपने कंजर्व कराया। एक और क्वेश्चन और देखिए, रोटेशन से रोटेशन देखिए टूल्स जरा सीख लीजिए। टाइम पीरियड क्या होता है? रोटेशन में टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पता 2 पाई बाई ओमेगा। जैसे ड्यूरेशन ऑफ डे कितना है, दिन की जो अवधि होती है दिन और रात मिलाकर 24 आवर 24 घंटा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अर्थ के एक्सल रोटेशन की स्पीड क्या है, तो कैपिटल टी इक्वल टू 24 आवर रख दीजिए ओमेगा निकल आएगा। बहुत स्मॉल ओमेगा यहाँ ले जाएंगे 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू लिखना होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी कितना है ये 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 86,400, और यही इतना आ जाएगा फिर रेडियन पर सेकेंड। वेरी स्मॉल, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है अपने एक्सिस के बहुत बहुत कम होती है। फिलहाल जो भी है पर डे उसी वेलोसिटी से मूव करती है जिसकी वजह से 24 घंटे दिन और रात मिलाकर होते हैं 12 का दिन 12 की रात। अच्छा अब आपसे नया क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है कि आप बताइए इमेजिन करिए हृणाक जैसा कोई ही मैन, कोई सुपर दानव मानव जो भी रहा हो हृणाक, जो पूरी अर्थ को पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके कीचड़ में छुपा दिया था। उसके लिए विष्णु जी का एक फिर से अवतार होता है वराह अवतार, वो वराह में सुअर होता है उस रूप में आते हैं और कीचड़ में से पृथ्वी को निकाल कर फिर उसकी आदत को शिफ्ट करते हैं। तमाम कहानी हम लोग सुने हैं जो भी है कहानी पीछे, लेकिन फिर इस कहानी के माध्यम से एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई महामानव कोई दानव अर्थ को कीचड़ में छुपा सकता है, इमेजिन करिए वो खुद कहाँ खड़ा रहा होगा अर्थ को उठा करके जब ले जा रहा है। ये सब छोड़ी मजाक की बातें हैं, इमेजिनेशन वाली बातें हैं, इमेजिनेशन ही कर लीजिए आप, फिजिक्स की दुनिया है। आप अज्यूम करिए अर्थ को ऐसे चारों तरफ से उसी टाइप का कोई ही मैन सुपरमैन कोई दानव मानव देवता अर्थ को कंप्रेस करना शुरू कर दे, दबाना शुरू कर दे, और दबा करके उसकी रेडियस ठीक आधी कर दे, जो 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस 64 आधी यानी 3200 किलोमीटर रेडियस हो जाए, 1/3 कर दे, तिहाई कर दे, पांचवा हिस्सा दसवां हिस्सा कर दे, जो मन में आए उसको कंप्रेस करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मास, उसके मास को चेंज नहीं करना है, खाली दबाना है अर्थ की रेडियस श्रिंक कर जाए सिकुड़ जाए। तो बताइए न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो? ये क्वेश्चन लोग ग्रेविटेशन में भी करते हैं और कुछ समझदार लोग यहां भी कर लेते हैं, यहां भी यही देख लीजिए। दिन और रात इस समय एक्चुअल में 24 घंटे का होता है मिलाकर, तो रेडियस श्रिंक करके आधी हो जाए तब क्या होगा दिन और रात, वॉल्यूम श्रिंक करके 1/3 हो जाए तब, उसका सरफेस एरिया घट करके हाफ हो जाए 1/4 हो जाए तब। इस तरह से हम रेडियस वाला दिखा रहे हैं, बाकी वॉल्यूम एरिया वाला भी रिलेट कर सकते हैं रेडियस की मदद से। If Earth shrinks its radius just half initial value, without changing
its mass. Then what will be the new duration of the दिन की नई अवधि क्या होगी? पुराना वाला तो याद है 24 घंटा, अब क्या होगा? 8 आवर होगा, 6 आवर होगा, सी 12 आवर होगा, डी रिमेन्स अनचेंज यानी 24 घंटे ही होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वही तलाश लगाने का तरीका देखिए। यहां पर उमेगा से ही टाइम पीरियड डिटरमाइन होता है, ड्यूरेशन उमेगा से है। कुल मिलाकर के उमेगा निकालिए नई सिचुएशन क्या हो रहा है। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया जाए, J1 इक्वल टू J2। J1 मीन्स रोटेशन है, बाद में रोटेशन ही हो रहा है। I1 उमेगा 1 इक्वल टू I2 उमेगा 2। पहले क्या था, अर्थ को स्फीयर समझते हैं हम लोग और सॉलिड वाला, तो 2/5 मास m r square और उमेगा सचमुच मान ले रहे उमेगा और इधर 2/5 मास m ही है लेकिन रेडियस आधी होगी r/2 का स्क्वायर यानी r square, चलिए r/2 का स्क्वायर लिख दिया और इनटू न्यू एंगुलर इलास्टिक उमेगा डैश बोल दिया। तो r square 2/5 क्या आ गया, ये तो 4 हो गया और ये पूरा कैंसिल, उमेगा इक्वल टू उमेगा डैश 4। हम उमेगा के लिए परेशान, उमेगा डैश चाहिए 4 टाइम्स ऑफ उमेगा यानी एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर जाएगा और क्विक रोटेशन हो जाएगा और एक चक्कर रोटेट करने का जो समय होता है वही तो ड्यूरेशन है। अब तेजी से चौगुना हो गया, चौगुना स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब दिन की चौथाई हो गई, चौथाई मतलब अब 24 की चौथाई 6 घंटे। ऑप्शन बीस करेक्ट, फार्मूले पे कहने फार्मूला देखिए। नाउ ड्यूरेशन अवधि दिन का समयांतराल दिन और रात मिलाकर जो होता है टी डैश लिख दे, टी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे 2π/ω का डैश हो गया, ओमेगा डैश वैल्यू रखिए, टी डैश इक्वल टू 2π/ω डैश मतलब 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा और ये 2π/ सादा सादा ओमेगा को क्या लिखती है, यही तो ओरिजिनल वाला टी है, इसका मतलब T/4। ये जनरल रिलेशनशिप आ गया, टाइम पीरियड कितना हो गया पहले वाले का चौथाई और पहले वाला कितना था ये तो जानते हैं हम लोग, बस फिर संकोच कर रहे हैं बोलने में। लीजिए बोल क्या दें, लिख दे रहे, कैपिटल टी होता है 24 आवर 5/4 दैट इज न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे, 6 घंटे इसको नहीं होगा, 3 घंटे का दिन 3 घंटे की रात, नींद कंप्लीट नहीं होगी किसी की, सब परेशान अस्त व्यस्त होंगे, 3 घंटे ट्रेवल करते करते रात हो जाएगी। चलिए कुछ टेक्निक समझिए, आप टेक्निक समझते हैं जैसे रेडियस, न्यू रेडियस क्या हो गया, श्रिंक करके हाफ हो गया, श्रिंक करके हाफ, तो टाइम पीरियड कितना हो गया न्यू, पुराने वाले का 24 में किससे डिवीजन लिया, इसके स्क्वायर से यानी 4 6 आवर। देख लीजिए जो r/2 हाफ मतलब नीचे 2 है उसका स्क्वायर से डिवीजन ले लिया 24 आवर, यही हो गया न्यू रेडियस, श्रिंक करके ये बात क्या हो गया इनिशियल वाले का बाय इनिशियल वाले का 2√2 r/2√2 इतना रह गया। बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा नया वाला, ये न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे 24 होता था, अब इसका स्क्वायर 8 होगा, 8 हो जाएगा 3 आवर, 1.5 घंटे 1.5 आवर घंटे 1.5 आवर, राइट समझ गया हूँ। रेडियस में जिस नंबर से डिवीजन हो रहा है स्ट्रिंग करने के बाद जो ओरिजिनल बाई जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर से डिवीजन लीजिए उसके स्क्वायर से 24 में, बस वही आंसर आ जाएगा। एकाक और हो जाए, अर्थ के केस में न्यू रेडियस क्या हो गई
new radius shrinks to 1 by root 3 times of initial value with constant mass, माने मास नहीं बदल रहा है. देन न्यू ड्यूरेशन, न्यू ड्यूरेशन आप देख क्या हो, जल्दी से बताइए कम से कम समय में. तो न्यू ड्यूरेशन क्या होगा, यहां पर आर डैश कितना है, इनिशियल वाले बाय रूट, तो टी डैश क्या होगा न्यू, तो ये हो जाएगा 24 और बाय इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें 3, यानी कितना 8 आवर. ये सब चुटकी वाले क्वेश्चन होंगे, आधे 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 तरह एक लगाने में समय दिया, बाकी अगले वाला क्विक मोड. इसी तरह से वॉल्यूम अगर श्रिंक कर दे तो क्या होगा, तो वॉल्यूम पहले रेडियस का रिलेशन निकाल लीजिए, फिर रेडियस वाले की बात जानते ही. इन जनरल बिना मास चेंज किए रेडियस इनिशियल वाई एन हो गए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा न्यू कैपिटल टी बाई एन स्क्वायर या 24 बाई एन स्क्वायर आवर्स. ये ओके, लीजिए एक अच्छा प्रॉब्लम लोग होते हैं. जैसे एनएलएम में एक्सेलरेशन खूब निकाला जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन किसका निकालें, स्लैब का. स्लैब को किसी फोर्स से पुल किया जा रहा है, कुछ पुलिंग फोर्स लगा है, कुछ अपोजिंग फोर्स लगा है, तो एक्सेलरेशन निकालने का आसान तरीका था ड्राइविंग फोर्स वाले सपोजिंग फोर्स का मास. लेकिन रोटेशन में भी एक्सेलरेशन होता है, कोई बाल हो, कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर फोर्स लगाया जाए, अब फोर्स कहाँ लगाया जाए इसके बेसिस पर एक्सेलरेशन भी अलग अलग आए. तो कुछ एक अच्छा सवाल लगाते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, रोलिंग के केस में कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं. टॉप पर फोर्स लगाया जा रहा है एफ, ये रेडियस है इसकी आर, मास इसका एम, और प्योर रोलिंग केस है यानी फ्रिक्शन पर्याप्त है. और है क्या ये सेल, सेल मीन्स परफेक्टली हॉलो स्फीयर. आप बोलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इसकी रेडियस कहीं भी मार्क कर लीजिए, चलिए यहीं पे दिखा देते, चलिए ये रेडियस है. हाँ अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट लीनियर एक्सेलरेशन, बहुत सबल बोल रहे हैं, रोलिंग केस है, एंगुलर नहीं, लीनियर ही वही ए ही चाह रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ स्फेरिकल सेल स्फेरिकल सेल देखिए प्योर रोलिंग केस है, लिख दे रहे हैं प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग बिल्कुल भी नहीं है, प्योर रोलिंग केस है. एक्सेलरेशन बताना है, यहां पर ध्यान दीजिए
ये यही एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन क्या इक्वल टू ये। अब यहां पर एक बात समझना है, स्फीयर को रोल कराने की फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया गया था, ये सब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए सपोज कर ले रहे ये फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, ये सेल है, टॉप पर फोर्स लगाया गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, लेफ्ट साइड होगा तो ये रोल कर रहा है, लेफ्ट साइड होगा तो सपोर्ट करेगी, यानी बढ़िया रोटेशन। लेकिन आप बताइए रोटेशन इसका ऑटोमेटिकली रोटेट नहीं कर रहा था, फोर्स लगा के रोटेट करना पड़ रहा, जब भी फोर्स लग जाता है तो फ्रिक्शन ठीक जिधर चलता है ऑब्जेक्ट उसी तरफ हो जाता है। जैसे साइकिल वाले केस बताया गया था, साइकिल वाले केस में ये साइकिल वाले केस में अगर चेन जुड़ी है पैडलिंग हो रही है, तो इस केस में पिछले पहिए पर आगे और अगले पहिए पर पीछे होता है, जिस पर फोर्स लगाया जाएगा वो जिधर चलेगा उसी डायरेक्शन, यानी ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है। साइकिल केस में दोनों पहियों के बीच में, यानी पिछले पर आगे अगले पर पीछे होता है, जबकि पहिए दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहा है, बिना फोर्स लगाए जो मूवमेंट करेगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट माने पीछे की तरफ और अच्छा रोटेशन, पीछे की तरफ खींच गया और अच्छा रोटेशन, और अपोज मतलब चल रहा आगे क्लॉकवाइज रोटेट करा, फ्रिक्शनल फोर्स आगे ये इधर से खींचा जाए, टायर नीचे इधर से हाथ लगाया जाए, तब इसका उल्टा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कुल मिलाकर ये F1 अपोज कर रहा है, यहां भी फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, यही सीन है। इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन ए, रेडियस की आर है, यहां भी आप आर लिख सकते हैं। ये देखिए पहले ट्रांसलेशन के लिए एक इक्वेशन लिख डालिए, फिर रोटेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए मतलब वही न्यूटन्स लॉ, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास, ए इक्वल टू ड्राइवर कौन है, एफ है, अपोजर कोई नहीं, एफ भी यहां पे सपोर्ट करते हैं सेम डायरेक्शन, एफ प्लस स्मॉल एफ, अपोजर कोई नहीं और मास कैपिटल एम, ये हो गया एक्सेलरेशन। यहां से कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ हो जाएगा एम इंटू ए। चलिए ये किसके लिए है, ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए एक इक्वेशन में देंगे, रोटेशन के लिए लिखिए, रोटेशन के लिए आपको फार्मूला लिखना बिल्कुल इसी पैटर्न में दी, ए मत लिखिए अल्फा लिखिए, क्या लिखेंगे ड्राइविंग टार्क माइनस अपोजिंग टार्क, ड्राइविंग टार्क कितना होगा, ये टार्क तगड़ा है एफ और इनटू आर, ड्राइविंग टार्क माइनस अपोजिंग टार्क बाई मास, रोल कौन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, ध्यान दीजिए न्यूटन जो फार्मूला सीखे उसी का नया वर्जन आज हो गया रोटेशन, अल्फा अल्फा को आप लिख सकते हैं ए बाई आर, लीनियर एक्सेलरेशन बाई आर, ए इक्वल टू आर अल्फा होता था, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, ड्राइविंग टार्क कितना होगा, एफ जो है टार्क बनाएगा क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा, क्लॉक वाइज इधर घड़ी चलती है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास के बाद एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, और अपोजिंग स्मॉल एफ क्या बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एफ इंटू स्मॉल आर, स्मॉल एफ इंटू सॉरी स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर, और आई होता है ये सेल है टू बाई थ्री एम इंटू आर स्क्वायर, ये सारी बातें आपको जानना चाहिए, सिंस लीनियर एक्सेलरेशन होता है आर इंटू अल्फा, जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है आर इंटू ओमेगा, वैसे ए लिख दीजिए और ओमेगा लिख दीजिए अल्फा लिख दीजिए, ताकि आर है एक्सेलरेशन का फार्मूला, अल्फा चाहिए क्या लिख सकते हैं ए बाई आर, वही लिख दिया। यहां से देखिए एक आर से एक आर का निपटारा हो गया
और 2m बाई थ्री इधर आ गया, 2ma बाई थ्री, और इधर एक r बचा हुआ और वो r इसको निपटा देगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इंटू r, और नीचे r भी छोड़े r से आते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये दूसरा इक्वेशन सेट हो गया आपके लिए। सेकेंड इक्वेशन हो गया क्या, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू 2m बाई थ्री, दिस विल द इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो एफ बढ़ जाएगा, एफ के बारे में कोई डाटा भी नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, एफ कैंसिल होना जरूरी। ऑन एडिंग ऐड करें तो फायदे वाली चीजें क्या हाथ लगेंगी, एफ और एफ स्मॉल एफ और स्मॉल एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 कैपिटल एफ, इधर हो जाएगा आपके लिए एम ए, ये रुक जाए भाई, ये 2 बाई थ्री एम इधर ले आए तो एम ए तो रहेगा, ये 2 बाई थ्री एम ए, हाँ एम ए में 2 बाई थ्री एम ए ऐड होगा, एम ए प्लस 2 बाई थ्री एम ए, ये हो जाएगा 5 बाई थ्री एम ए, 2 एफ इक्वल टू 5 एम ए बाई थ्री, ए चाहिए तो 6 हो गया, 6 एफ बाई 5 एम, और जनरली नॉर्मली और लोग एक्सेलरेशन क्या बताते हैं, एम बाई एम, लेकिन ये देखिए 6 एफ बाई 5 ये आता है एक्सेलरेशन, 6 एफ बाई 5। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी तरह से सॉलिड स्फीयर हो, टॉप पर फोर्स लगाया जाता है, बताइए क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा उसका प्योर रोलिंग केस में, तो वहां पर सब कुछ वो इसी तरह से लिखेंगे, बस आई क्रोल 2 बाई 5 हो जाएगी हमारे स्क्वायर, वहां से फिर कंपेयर करके आप कर लीजिए दोनों क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, ये सब तगड़े क्वेश्चन रोटेशन के बेहतरीन प्रॉब्लम है। एक आध क्वेश्चन और, टापलिंग के बारे में जरा समझते हैं, टापलिंग क्या है, टापलिंग से पलटना, रोलिंग मतलब लुढ़कना, टापलिंग मतलब पलटना, पलटेगा कौन, जैसे कोई टेबल है पलट दीजिए, क्यूब है पलट दीजिए, बुक को पलट दीजिए, सर्कुलर रहेगा तो वो रोल करके चलेगा, टापलिंग में खटखटाहट की आवाज आएगी, रुक रुक कर स्मूथ मूविंग नहीं होगी, टापलिंग उसको बोलेंगे। ईंट है, ईंट को आप किसी भी तरफ से घुमाएंगे खटखट खटखट करके आवाज आएगी, स्मूथनेस के साथ वो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ फोर्थ लाइक खींचेंगे खींचते हुए तो ट्रांसलेशन हो गया, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी आप रोटेट करने का रोलिंग का प्रयास करेंगे तो टापलिंग काउंट, टापलिंग जैसे कार चल रही है और सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिला, अचानक से स्टेयरिंग आपने काट दिया तो वो टापल कर जाएगी, टापल करेगी किधर जाएगी, टूवर्ड्स द सेंटर की अवे फ्रॉम द सेंटर, जिधर रोड का ढलान है बैंकिंग जिधर है उसके सेंटर तरफ जाएगा, एकदम खेत उतना टापन आउटवर्ड होगा, जिस तरफ आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जिस तरफ सेंटर तरफ मोड़ रहे हैं उधर नहीं, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ होता है टापन, सर्कुलर मोशन में बताया गया था। यहाँ पर टापनिंग केस हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे टापनिंग हो जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे लुढ़के ना टापनिंग न हो, ये चीजें जैसे ये क्यू मास एम है साइड एल है क्यू, इसके सेंटर पर फोर्स लगाया गया कैपिटल एफ, कैपिटल एफ फोर्स लगाया गया है, ये एक्चुअली टॉप पर फोर्स लगा दे रहे हैं, टॉप पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ, तो टापलिंग होगा किस कारनर, कौन सा कारनर फिक्स हो जाएगा, यही कारनर रुक जाएगा, बाकी पूरी ब्लॉक ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस तरह रोटेट कर रहे हैं, यानी यही इसी पॉइंट पर रोटेट कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है,
यहां पर टापलिंग होने के लिए जरूरी क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन म्यू। देखिए टापलिंग पर एक प्रॉब्लम बना रहे हैं, टापलिंग के लिए कोई केस नहीं सीखना अलग से, बस खाली समझना कैसे क्वेश्चन तोड़ना। टापलिंग के लिए जिस डायरेक्शन में चल रही है प्लान उसी तरफ जो फोर्स लगाएगा वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जो टार्क बनाए वो ज्यादा हो, तो टार्क ज्यादा हो जाए तो टापलिंग होता है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ न्यू फॉर टापलिंग ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। टापलिंग के लिए न्यू क्या होता है, ज्यादा या कम? अब देखिए समझिए, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, ब्लॉक को खींच रहे स्लाइड करा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगना है, पीछे, और वेट किधर लगना है, नीचे। चलिए यहां जरा देखें, इसी पॉइंट पर बॉडी घूम जाएगा, ये फोर्स है आपकी कैपिटल, सेंटर आप मास पर इसका वेट काम करेगा एमजी। इस पॉइंट के बाद आप टार्क निकल, ये एमजी क्या करेगा, टापलिंग होने से बचाएगा, दबाएगा, लेकिन ये क्या करेगी, टापलिंग कराना चाहिए क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, और एमजी एंटी क्लॉकवाइज। टापलिंग हो, कंडीशन फॉर टापलिंग क्या है, कंडीशन फॉर टापलिंग, और इसी सतह पर इस सरफेस पर फ्रिक्शन एफ काम करेगा। इस पॉइंट के बाउट देखें तो ये एफ बेकार होगा, जिस पॉइंट के बाउट रोटेशन होगा उस पर जो फोर्स लगा रहेगा से पास करने वाली लाइन पर वो फोर्स बेकार हो जाता है, कोई टार्क नहीं बना पाता, लेकिन एम जी बनाएगा। तो टापलिंग के लिए एफ इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, और एम जी का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी एल बाई टू, एल बाई टू यहाँ से, तो एफ इंटू एल ग्रेटर देन एम जी इंटू एल बाई टू। एल का निपटारा हुआ, एफ क्या होना चाहिए, जस्ट वेट का आधा होना चाहिए, एम जी बाई टू होना चाहिए। अब फ्रिक्शन पर जरा लाते हैं, फ्रिक्शन जरा सर्च करते हैं। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में या मौसम की केस के लिए, इक्विलिब्रियम का केस यही है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं वो एफ से एफ इक्वल हो जाए तब तो इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन यहाँ मोशन हो रहा है ना, मोशन होने के लिए क्या हो जाए, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं लिखते, इन केस ऑफ मोशन, मोशन के लिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या जस्ट इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू। और यानी एफ की वैल्यू क्या लिख दें, के एफ क्या होता है, स्मॉल एफ म्यू इनटू हार्ड इंटरप्लेन होती है एम, और ये देखिए दो इक्वेशन बन रहे हैं, एक ये बना इक्वलिटी,
ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, मतलब मोशन हो इसके लिए न्यू इंटू एम जी से ग्रेटर होना चाहिए फोर्स, और टापलिंग के लिए एफ की वैल्यू एम जी बाई टू से ग्रेटर होनी चाहिए। या ऐसा कर लेते हैं इनके साथ इक्वेशन दे, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। एफ इक्वल टू एफ यानी मिनिमम फोर्स ही लगाना पड़ेगा न्यू इंटू एम जी। अब यही एफ की वैल्यू आप क्या कर लीजिए इसमें, यहाँ एफ है वहां पर लिखिए म्यू इंटू एम जी ग्रेटर देन एम जी बाई एम जी निपटारा हुआ यानी म्यू ग्रेटर देन एम हाफ। म्यू की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होगी तब टापलिंग होगी, और टापलिंग कब नहीं होगी जब म्यू की वैल्यू 1/2 से स्मॉलर होगी। 1/2 से ग्रेटर होगी टापलिंग होगी, और स्मॉलर हो जाएगी तो स्लिपिंग होगी। अगला भी निकाल लीजिए, सिमिलरली फॉर स्लिपिंग, स्लिप करने के लिए क्या कंडीशन होगा, म्यू की वैल्यू 0.5 से स्मॉलर, 1/2 से ग्रेटर होगी तो चलते चलते वो टापल कर जाएगा, और 1/2 से स्मॉलर होगी यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो स्लिप करता चला जाएगा, टापल नहीं होगा। समझ गए, फोर्स भी निकाल सकते हैं वेट के हाफ से ग्रेटर होने से टापलिंग, और टापलिंग ना हो तो यही पलट दीजिए, और फोर्स भी निकाल लीजिए, फोर्स क्या होगा एम जी बाई टू से स्मॉल, फोर्स क्या होना चाहिए वेट के, वेट का हाफ जो है उससे कम फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग होगी, नहीं स्लिपिंग क्या वेट के हाफ से सही न्यू पर ज्यादा फोकस करना है, न्यू की वैल्यू कुल मिलाकर के जो न्यूमेरिक वैल्यू आए उससे ज्यादा है न्यू की वैल्यू, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, सरफेस पकड़े रहेगा तो टापल कर जाएगा, और उससे कम लिख देंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा ट्रांसलेशन के स्लिपिंग का। एक और क्वेश्चन, क्यूबिकल ब्लॉक है, मास एम है, मास स्मॉल एम है, और साइड ए, ए बी द साइड, और यहां पर एक फोर्स लगाया गया एफ, कितने पर, ये है हाइट 3a/4 हाइट लगा, एकदम टापी नहीं लगा। अब आप बताइए ये फ्रिक्शन है, सरफेस रफ है खुरदरा, अब आप बताइए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए टापिंग के लिए, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्लिपिंग के लिए, या एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए टापिंग के लिए, एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्लिपिंग के लिए। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर क्यूबिकल ब्लॉक जस्ट टू टापल, ठीक टापल होने के लिए क्या होना चाहिए म्यू की वैल्यू। सोल्यूशन देखिए, टापलिंग इसी कार्नर के बहुत होनी, कार्नर के बहुत इस फोर्स का, इस फोर्स की टेंडेंसी क्लॉकवाइज रोटेट करने, और जिसका वेट लगेगा इस माले में क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी a/2,
और ये डिस्टेंस कितनी आती है 3a/4, तो f इनटू इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई टू, f इनटू टार्क क्लॉक वाइज ज्यादा होना चाहिए टार्क एंटी क्लॉक वाइज केसेस। अब क्लॉक वाइज कौन बनाएगा, f कैपिटल f इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4 है ग्रेटर देन एंटी क्लॉक वाइज वाला वेट निर्माण कर रहा है, वेट mg बना रहा है, mg इनटू ये डिस्टेंस a/2। तो यहाँ पर a का कैंसिलेशन हुआ तो f की वैल्यू आ जाएगी, f फोर इधर जाएगा 4mg, या 2 से 2 का कैंसिलेशन कर नीचे 2 आ जाएगा 2mg बाई 3 हो जाएगा, f ग्रेटर देन होना चाहिए। वेट के 2/3 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए फोर्स, तब टापलिंग होगा। ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई, न्यू तक पहुंचना है। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में फोर्स कम से कम कितना लगाना चाहिए, कम से कम वही फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स कम से कम कितना होता है, न्यू इंटू एमजी होता है एमजी, ये तो यही वैल्यू आप रख दीजिए, ये वैल्यू उठा कर रखिए इक्वेशन वन में, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से क्या फायदा हो। ये आ जाएगा आपके लिए म्यू इंटू एम जी एफ प्लेस पर ग्रेटर देन टू एम जी बाई थ्री, एम जी निपटारा हुआ, म्यू की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन टू बाई थ्री। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये 2/3 या उससे ज़्यादा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, मिनिमम वैल्यू म्यू इक्वल टू लिखेंगे 2/3 आराम से, ये आप लिखना है। जनरल वैल्यू पूछिएगा 2/3 या उससे ग्रेटर, आप इक्वलिटी साइन लगा करके भी चल सकते हैं, लगा लीजिए यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ लगा सकते हैं यहाँ, यानी 2/3 या उससे ग्रेटर, कम से कम वैल्यू वही 2/3, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होगा। और फार स्लिपिंग या नो टापलिंग के लिए क्या होगा, म्यू की वैल्यू लेस देन 2/3 से कम होनी चाहिए, 2/3 ज़्यादा होगा टापलिंग होगा, 2/3 से कम होगा टापलिंग नहीं होगा, अवॉइड होगा। अब देखिए इसी तरह से जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई सिलेंडर रख दिया जाए जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपकी आंख के सामने है, इसके रेडियस आर है, मास है, तो रोलिंग के लिए क्या होता है एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा पाई 1 + k² / r² के भी रेडियस आर जैसे, ये सब सीखा गया है। म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू, सब चीज़ें निकाले हैं आपने, सब कुछ आपको पता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एम जी साइन थीटा बाई 1 + a उलट जाता है r² / k², और म्यू टैन होता था टैन थीटा बाई नीचे वाला टर्म वही 1 + r² / k², ये सब सीखा गया। म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए रोलिंग के लिए, इतना या इससे ज़्यादा हो जाएगा तभी चलेगा, तो ज़्यादा होगा तो रोलिंग के लिए ठीक है, रोलिंग हो, रोलिंग के लिए फिक्सिंग बहुत जरूरी है, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। लेकिन अब सिचुएशन नया है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर सिलेंडर ऐसे रख दिया जाए इस तरह से, अगर सीन देखिए रेडियस आर है, हाइट एच, मास एम, तब ये टापल करेगा, अचानक से पलट जाएगा, रोल नहीं करेगा, स्मूथली एकदम लुढ़कते हुए नहीं आएगा, अभी टापली करके सो। अब बताइए यहाँ पर एच कितना होना चाहिए आर के साथ, इसका रिलेशन बताइए, जिससे कि टापलिंग हो जाए बिना स्लिपिंग के, टापलिंग बिफोर स्लिपिंग, और एच और आर में क्या रिलेशन होगा, स्लिपिंग बिफोर टापलिंग, माने टापलना हो पहले स्लिप करना शुरू, ये चीज। ये थीटा कितना होना चाहिए, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया जाए, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है धीरे धीरे उठाया जाए, टापलिंग कंडीशन बढ़ेगी संभावना, तो थीटा की वैल्यू बताइए मेरे को क्या होगी, ये चौरा है, ये सब क्वेश्चन। तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ और भी हैं, तो लास्ट
एक इलेक्ट्रिक स्पिरल होना है और ये फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कंप्लीट हुआ आज। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी लंबे समय तक हम लोग बने रहे, आज बहुत हाई फाई बातें हुई हैं और इसका आनंद आप लिख करके फिर एक बार रिवीजन करके खूब इंजॉय करिए, आनंद लीजिए, पूरा मैटर आपकी जुबान पर हो जाएगा। बहुत ही आसान सिस्टमेटिक आप वीडियो पा रहे हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विराम लेते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।